Pude test. Anushka. जी मैं हमारे माहौल प्रधानमंत्री जी के रहने उतरे फिरोज मुशर्रफ साहब जनरल फिरोज मुशर्रफ साहब वो जब कभी बुलाया करते थे महफिल में किसी में तो सब एक्सपीरियंस बना होता था मुझे एक बंदा होता था जो मुझे कॉन्स्टेंटली लाइक विद इन एवरी फाइव मिनट्स कॉल किया करता था कि भाई कहाँ पहुंचे कमीज पहन 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 लिया जूते पहन के तैयार हैं गाड़ी आपके गेट के बाहर खड़ी है इंजन बंद है चल रहा है जी यहाँ पे बहुत सारे शनासा चेहरे बैठे मुझे नजर आ रहे हैं कुछ शनासा नहीं कुछ दोस्त हैं शान है फराज है बर्दाश्त करना पड़ेगा Thank you.
स्टडिंग अपने उस दौर में था कोशिश कर रहा था सर इतना गुस्से से नहीं देखना थोड़ी मुस्कुरा थोड़ी सी इतनी मुस्कुराहट से कुछ नहीं मैं अभी टेंशन करता हूँ मैं बताऊँ क्योंकि मेरी बात पसंद आ रही है नहीं आ रही मैं गुस्से से लेकर कहीं इनके बारे में बात करता तो जो लोग इस जमाने में कुछ लोगों को मैं वैसे जनरली पसंद नहीं था ऐसे ही लोग पसंद नहीं था ऐसे नहीं यार हमें नहीं चलता वो आता है तो हमें ना अच्छा नहीं लगता अच्छा मैं हिट हो गया है और उनको मजबूरन मुझे मिलना पड़ता था तो वो जिस तरह मिलते थे तो मुझे समझ में आ जाता था कि यार ये बिल्कुल दिल से नहीं चाह रहे मुझे मिलना लेकिन उनको मिलना पड़ रहा है और बस हंसी भी आती थी अंदर ही अंदर लेकिन खुशी होती थी ज्यादा बिकॉज उनको लगता था कि मैं कभी सिंगर नहीं बन पाऊंगा या कभी सिंगर बन भी गया तो ये मशहूर कर तो ऐसे कुछ चेहरे यहां पर नहीं बैठे हैं और मैं जब कभी गाते गाते ऐसे मुड़ के देखता हूं अल्पसा हंसी में छुपा हुआ गुस्सा भी नजर आता है उसमें लेकिन अच्छा जिसके बाद खाना भी यहाँ पे भी नहीं जाना मैं और मुझे मैंने कहा कि इसको ये गाना अप्रूव हो चुका है ये गाना अप्रूव है आप इसको बिल्कुल वैसे ही गा दीजिए जैसे ये है और मैं नॉर्मली जब ऐसे कंपोजर्स हमें कहते हैं कि जिसको एज इट इज गा दीजिए बिल्कुल भी कुछ यहां से वहां कुछ भी नहीं करना तो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाता है बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमसे भूल जाती है कोई छोटी सी इंप्रोवाइजेशन यहाँ पे होगी कुछ थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन करके करके इसको मजबूर है आदत से उसने कहा यह एज इट इज गा दीजिए मैंने उनको दो वर्जन पूछे मैंने कहा जी ये एज इट इज आपका वर्जन है ये हम आपके ऑप्शन भेज रहा हूँ वी कॉल इट अ सेफ्टी टेक मैंने कहा सेफ्टी और इंप्रोवाइज का थोड़ी टेक है देख लीजिए उसका मुझे मैसेज आया कि थैंक गॉड आपने भेजा मैंने और मेरी बात नहीं सुनी एंड ही पिक्ड अप द डेब्यू ऑफ द ईयर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दिस सॉन्ग